What's up everyone? Welcome to the episode of Tune for You. क्या हाल है आप लोग के? Well, आज का episode होने वाला है बहुत ही entertaining because एक ऐसा entertainment और knowledgeable show हमारे देश में आ चुका है जो कि सास बहू और बिग बॉस जैसे फॉर्मेट से हमें एक राहत प्रदान करता है। जी हाँ दोस्तों, आई एम टॉकिंग अबाउट शार्क टैंक इंडिया। ये एक इस तरीके का शो है जो देखने में बहुत ज्यादा एडिक्टिव है, यू जस्ट कैनॉट स्टॉप वॉचिंग इट। और अगर आपके पास सोनी का चैनल का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो बिल्कुल यूट्यूब के ऊपर जाके आप फुल सीजन बाय सीजन उसके पूरे एपिसोड्स बिंज वॉच कर सकते हो। इट इज सो एडिक्टिव। बेसिक फॉर्मेट कुछ इस तरीके से, अगर आपको नहीं पता होगा तो शार्क टैंक अमेरिका में आता है, शार्क टैंक ऑस्ट्रेलिया में भी आता है, यूरोप में भी आता है, एक उसका स्पिन ऑफ है ड्रैगन्स डेन, वो भी यूरोप के लिए दिखाया गया है, लेकिन इंडिया में पहली बार शार्क टैंक इंडिया का फॉर्मेट लॉन्च हो गया है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, कुछ ऐसे बड़े बड़े दिग्गज महारथी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो अपने लाइन के बादशाह होते हैं, उन्होंने बहुत करोड़ों रुपए कमाए होते हैं और दे आर लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। और दूसरी तरफ पे होते हैं पार्टिसिपेंट्स, कंटेस्टेंट्स या बडिंग एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने अपना धंधे में अभी अभी कुछ शुरुआत की होती है और वो अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे स्केल करना चाहते हैं। तो बिजनेस को स्केल करने के लिए उन्हें चाहिए होती है इन्वेस्टमेंट्स, और इन्वेस्टमेंट को एक बताने के लिए कि आप मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करें तो प्रॉफिटेबल होगा, वो दिखाने के लिए ये अपने इन्वेस्टर्स के पास आते हैं। और ये है पूरे शो का बेसिक फॉर्मेट। शो बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग है, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, एंड ट्रस्ट मी गाइज, इट इज रियली रियली फन टू सी, एंड समटाइम्स इट इज सो इंस्पायरिंग टू सी कि नेक्स्ट लेवल का इंडिया डेफिनेटली बिलोंग करता है बिजनेस कैटेगरी को। छोटे छोटे गांव से लोग आते हैं, बकायदा दूर दराज इलाकों से किसान आ रहे हैं, एंड दे आर प्रोवाइडिंग सच एन ऑसम डिस्प्ले ऑफ देयर टैलेंट, देयर प्रोडक्ट, जिसके बारे में कभी सुना भी नहीं था और कभी सोच भी नहीं सकते थे हम कि भारत जैसे देश में इस तरीके की लोग एक जिसको बोले कि इन्वेंशंस करते जा रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइज, देखकर बहुत अच्छा लगता है कि एक छोटे से गांव का आदमी आता है अपनी हाथ गाड़ी लेकर, जिसके ऊपर वो पूरी तरीके से 6-7 साल से मेहनत कर रहा है ताकि पेस्टिसाइड्स अच्छे से स्प्रिंकल हो सकें, खेतों में फार्मर्स के लिए हेल्प हो सके, बहुत ही लो वॉल्यूम प्रोडक्शन के अंदर, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं करता है, लेकिन शार्क टैंक देखता है उसे और अपने शार्क्स उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। फिर पहले बात कर ले थोड़े के जो हमारे शार्क्स हैं उनके बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो जजेस हैं यहाँ पे या जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बोला जाता है शार्क्स। तो शार्क टैंक के अंदर बेसिकली 5 शार्क दिखाई देते हैं हमेशा आपको। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अश्नी ग्रोवर की बात करूंगा। ये भाई साहब ने भारत पे को co-found किया है एंड ही इज वन ऑफ द मोस्ट श्रूड गाय, मतलब जिसको हम बोले ना, देखिए श्रूड इज अगर इंग्लिश में बोले तो लगता है वाओ ही इज सो श्रूड मैन, ही इज वेरी श्रूड बिजनेसमैन, लेकिन हिंदी में हम बात करें तो भाई साहब बहुत ज्यादा खड़ूस हैं। सीधी से अगर मैं बोलूं तो ही इज रियली टफ नट टू क्रैक, लेकिन अगर वो बंदे को आपने अपनी पिच सही बता दी तो भैया कंफर्म है आपकी इन्वेस्टमेंट। अगर मैं बात करूं दूसरे बंदे की जो मुझे पर्सनली एक नंबर 1 फेवरेट है मेरा शो के अंदर, दैट इज अनुपम मित्तल। नाउ अनुपम मित्तल की अगर मैं बात करूं, भाई साहब ने शादी.com को बनाया है। मतलब उस समय जब लोग शादी एक दूसरे से, मतलब लव मैरिज तो बड़ी दूर की बात होती थी, भाई साहब इंटरनेट भी नहीं मौजूद था, तब उन्होंने शुरुआत की थी शादी.com की, एंड द बिजनेस इज अ मल्टी मिलियन डॉलर बिजनेस टुडे। एंड मिस्टर मित्तल इज एन एंजल इन्वेस्टर इन ओवर 200+ कंपनीज अक्रॉस द वर्ल्ड। मतलब भाई ने बहुत पैसा लगाया, बहुत पैसा बनाया, और यहाँ पे जिस तरीके से वो सुलझे हुए तरीके से बात करते हैं, नंबर्स लेते हैं सामने वाले से, अपने नंबर्स प्रोवाइड करते हैं, इट्स फैंटास्टिक। मतलब देख के कुछ सीखने को मिलता है और मजा आता है यार शो देखकर। नेक्स्ट अप इन द टैंक इज अमन गुप्ता, द को फाउंडर एंड द चीफ मार्केटिंग डायरेक्टर ऑफ बोट हेडफोन्स। ये ऐसी जो बोट कंपनी है पिछले 3-4 साल से ही शुरू हुई है, लेकिन इसने इतना भयंकर मार्केट शेयर कैप्चर किया है कि इट इज नेक्स्ट लेवल डिस्पाइट ऑफ द कॉम्पिटिशन, द JBL, द बोस, द ब्लॉपंक, द सोनी, बोट ने अपनी एक ऐसी मार्केट बना दी कि नाउ दे आर ऑलमोस्ट ऑन टॉप ऑफ द पाइल व्हेन इट कम्स टू सेलिंग ब्लूटूथ वेरेबल डिवाइसेस, चाहे वो हेडफोन हो, चाहे वो घड़ियां हो, चाहे वो कुछ भी हो, मतलब बोट का नाम आ गया तो भैया वो चीज क्वालिटी फाड़ होने वाली है। एंड अमन द पर्सन इज सो इंटरेस्टिंग, सो अमेजिंग, वो जिस तरीके से बात करता है और वो सारा कुछ काम करता है ना, मतलब यार देखकर शो मजा आता है। ही इज द तड़का ऑफ द शो, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू गाइस। नेक्स्ट अप आपको यहाँ पे CEO एंड फाउंडर ऑफ लेंसकार्ट भी देखने मिलेंगे, आपको यहाँ पर शुगर कॉस्मेटिक्स की जो फाउंडर है वो भी देखने मिलेंगी, इवन MQ और फार्मास्यूटिकल्स की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर
वो भी आपको देखने मिलेगी यहाँ पे। सो दिस पर्टिकुलर शो इज फिल्ड वेरी गुड एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने लिटरली अपनी शुरुआत बहुत कम से की थी, लेकिन आज वो लोग एक सक्सेस स्टोरी बन चुके हैं। उनसे ही इंस्पिरेशन लेते हुए हमारे आने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए शो बहुत 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 जबरदस्त है। मुझे तो यार देख के शो बहुत मजा आया, आपको कैसा लगा प्लीज पुट योर कमेंट्स डाउन बिलो, जरूर बताइए। दिस इज डेफिनेटली अ मस्ट मस्ट वॉच, बिंज वॉच करो इसको और कुछ सीखो और अपने अंदर एक आग लगाओ कि यार धंधा ही करना है अपने को, अपने को नौकरी नहीं करनी है, धंधा करना है अपने को, बिकॉज दैट इज द कोर एसेंस ऑफ दिस शो। सो विद दैट सेड, साइनिंग ऑफ, अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो ट्यूब फॉर यू को। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक आई लव यू ऑल, बाय बाय।